अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपने अभी देखा मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ किया है, क्योंकि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगा मैं इसको पहले थोड़ा क्लीन कर लूँ। ऐसे मैं हर 10 से 15 डेज में से साफ़ करती हूँ, तो ये 10 डेज हो चुका था इसे साफ़ किया हुआ, तो मुझे लगा मैं पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैंने किस तरह इसे ऑर्गेनाइज़ किया और क्या क्या चीज़ मैं रखी हूँ। इसमें बहुत ही ब्रांडेड चीज़ नहीं है, बस जो मुझे सूट करता है मेरे फेस के लिए, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे बालों के लिए सूट करता है, मैं वो ऑयल यूज़ करती हूँ, वही रखती हूँ, और ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें नहीं है मेरे पास। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा है अपने ड्रेसिंग टेबल पर और किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। तो और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो इसके टॉप में मैंने इस तरह का स्टैंड लिया है जिसमें भी सारी चीज़ें आ जाए। ये सारी कॉम्ब है मेरी, और ये रबर बैंड है जो मैं इसमें रखती हूँ, और इसमें सारे क्लिप और क्लचर है, नेल कटर भी आपको दिखेंगे इसमें, प्लकर, नेल शार्पनर, जो जो मुझे डेली यूज़ में ज़रूरत होती है सब मैं इसमें कर ली हूँ। और ये इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये लाइनर है, लिप लाइनर, और ये काजल है, तो इसको मैं इस तरह पर ही रखती हूँ। उसके बाद इसमें मैंने रखा है सारी डेली यूज़ की ज़रूरत की चीज़ें, मैं टॉप में ही रखती हूँ क्योंकि ईज़िली मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो जो भी है, पाउडर है, ग्लिसरीन है, ऑयल है, जो मेरा मिक्स ऑयल जो मैंने आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ वो है, और ये मेरा ये भी फेस में लगाने वाला, बहुत तरह इससे मैं मिक्स किया है हुआ, ये भी एक तरह का तेल है जो मैं फेस में, पैर में, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ड्राई है, यहाँ का पानी बहुत ड्राई है, और जब मैं पैर धोती हूँ तो उसमें वाइट वाइट हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है तेल। और उसके बाद फेस पाउडर, क्रीम, मैं अक्सर सनी का ही यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा, ऑयल भी मेरा सनी का ही है, यूज़ करती हूँ। और ये कुछ मेडिसिन दवा है बच्चों की जो मैं यहाँ रखी हूँ, ये हैंड वॉश है, और ये सारी इस एरिया में मैंने दवा रखा है। उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा, ये टेबल मैंने ऐसा डिज़ाइन करके बनवाया है कि ये निकल जाता है, अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी होगी तो आप इस पर रख सकती हैं, बहुत हेवी लोड इसमें नहीं देना है, बस थोड़ा बहुत कोई चीज़ रख सकती हैं, और ये जब यूज़ नहीं है तो इस तरह अंदर हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने अपना मेकअप का सारा सामान रखा है, वह मैं दिखाती हूँ। इसमें जितनी भी मेरी एयरिंग्स है उसको मैंने रखा है, लंबी एयरिंग्स को मैंने इसमें रखा है। उसके बाद ये कोने में मैंने सारे लिपस्टिक इकट्ठे किए, कुछ ब्रांडेड है, कुछ नॉन ब्रांडेड है। ब्रांडेड में मैं ओरिफ्लेम का यूज़ करती हूँ, और
डेली लिप डेली यूज़ करने के लिए मैं ये बेबी लिप यूज़ करती हूँ। बाकी चीज़ें ये भी ओरिफ्लेम का है, ब्रांडेड में मैं ओरिफ्लेम का ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। और उसके बाद ये है लिक्विड लिपस्टिक, एक साइड लिक्विड है और दूसरे साइड है ड्राई लिपस्टिक है ये है। और यहाँ पे मैंने सुरमा रखा है, ये मेरा फेस पाउडर है और ये नेल को क्लीन करने के लिए है, नेल पॉलिश रिमूवर, ये कारा का है। और मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन में नेल पॉलिश नहीं है, सिर्फ नेचुरल है ये है ऑरेंज और ये रेड है और एक मेरे पास नेचुरल कलर का भी है ये वाला। ओह माय, ये मुझे ऑफ़र में मिला था, कभी मैंने कोई कपड़ा लिया था तो उसमें मुझे ये मिला था। मैं नेल पॉलिश ज़्यादा यूज़ नहीं करती और मैं लगाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में सारे जो क्लिप्स होते हैं वो मैं रखी हूँ, उसमें क्लिप्स हैं और सेफ्टी पिन आपको दिख रहा होगा, सेफ्टी पिन सारे इसमें हैं गोल्डन एंड सिल्वर कलर के। और ये मेरा मिरर है, बहुत ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट, आप कहीं पे भी जाइएगा सफ़र में तो इसे बहुत आराम से आप ले जा सकते हैं, इस तरह फोल्ड हो जाता है। और इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और ये जो मैं डेली घर पे यूज़ करती हूँ वो इस तरह का मिरर है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, तो उसको मैं अंदर ही रख देती हूँ। और उसके नीचे मेरे पास, मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ ये वॉच, रिस्ट वॉच, उसके बाद मेरे जितने भी, ये मेरा है कैप, मतलब जब मैं मेहंदी लगाती हूँ या एग लगाती हूँ अपने हेयर में तो ये मैं यूज़ करती हूँ कैप, ताकि कपड़ा ख़राब ना हो। उसके नीचे मेरे सारे ब्रश हैं, मैंने इसे ऐसे प्लास्टिक में, ये कपड़े का प्लास्टिक था, मैं उसमें डाल कर दी ताकि ये ब्रश गंदा ना हो। उसके बाद इसमें जितने भी बैंगल्स मेरे हैं मैंने इसमें रखा है और कुछ बैंगल्स इसमें हैं। कुछ बैंगल्स हैं, कुछ क्लचर हैं, मैंने इस तरह रखा है कुछ इस तरह का। और सारे पिन बैंगल्स भी बहुत प्यारा है, ये मुझे बहुत ही पसंद है और अच्छा लगता है, ये मैंने जयपुर से लिया था। कुछ क्लिप्स यहाँ पे भी हैं, ये कभी कभी मैं जब जाती हूँ मुझे ज़रूरत होता तब मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो इस तरह ये मेरा बैंगल्स क्लिप्स अभी इसमें ऑर्गेनाइज हो गया और इसके ऊपर मैंने रख दिया ये सारे ब्रश और ये सब इस तरह मैं रख देती हूँ और इसमें भी बैंगल्स मिस्टी यहाँ रख देती हूँ। तो ये मेरा ऊपर वाला कबर्ड इस तरह हो गया ऑर्गेनाइज। इस तरह ड्रॉर, दूसरे ड्रॉर में मैंने रखा है सारी क्रीम है मेरी, कौन कौन सी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने बताया आपको मैं सनी का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो ये होम्योपैथिक क्लिनिक में ही मिलेगा आपको। ये फेस स्क्रबर है, ये पपाया फेस स्क्रबर है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, वो भी रेयर यूज़ करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस में काफ़ी डस्ट आ गया है तो मैं यूज़ करती हूँ। मैं इसका किस तरह यूज़ करती हूँ ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत जल्दी करूँगी। उसके बाद ये एलोवेरा का कैलेंडुला है, ये भी क्रीम है, ये ठंड में ज़्यादा काम आता है इसलिए मैं भी इसको यहाँ रख ली। ऊपर में भी आपने देखा होगा छोटा पैक, ये मेरा फूट क्रीम है, ये भी सनी का है जो मैं नाइट में अक्सर लगा के सोती हूँ। और ये भी पपाया का फेस पैक है, ये भी सनी का है, तो ये यूज़ करती हूँ मैं। और ये है वैसलीन जो कि रेयर यूज़ होता है, अभी ठंड नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये है नीविया, नीविया तो मैं यूज़ करती हूँ, जब भी मैंने स्क्रबर किया फेस स्क्रबर तो मैं नीविया यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरा है नाइफ एंड एलोवेरा का लीफ,
मैं इसको नाइट में लगा के यूज़ करती हूँ। मैं अब बहुत जल्दी मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं अपना नाइट रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन, सॉरी नाइट स्किन केयर रूटीन मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद इधर है मेरा सारा खजाना, मीन्स अपने हेयर को अच्छा रखने के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये बॉक्स में अक्सर सॉरी ये डब्बा मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, कभी भी मुझे कुछ बनाना हो तो मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ। और ये है जबरंडी का ऑयल और रोज़ वाटर, और ये सारे तेल हैं, ये नाइसिल जो अब यूज़ नहीं हो रहा है मेरा, और ये है मेरा परफ्यूम, मैं बस यही यूज़ करती हूँ, ये बॉडी परफ्यूम है और ब्यूटीफुल है का है ये, और ये मेरे हस्बैंड का है पासपोर्ट वो यूज़ करते हैं। और ये रहा स्वीट आलमंड ऑयल है ये, ये भी आपके अगर डार्क सर्कल है तो डार्क सर्कल के नीचे आप डार्क सर्कल के ऊपर ये लगाइएगा तो ये डार्क सर्कल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये है हैंड सैनिटाइज़र जो मैं जब भी बाहर जाती हूँ लेके जाती हूँ और मैं यही रखती हूँ। और ये मेरा है आलमंड सॉरी ये आंवला और हेयर ऑयल है और ये भी सनी का है। और इन सब प्रोडक्ट खरीदे थे तो मुझे ये फेयरनेस क्रीम भी मिला था जो मैं अभी यूज़ नहीं की हूँ, ऐसे ही रखा हुआ है। और ये भी मुझे सनी में किसी में फ्री मिला था, शायद मैंने ये ऑयल लिया था उसी में फ्री मिला था, वो भी अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो नीचे का ड्रॉर मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज किया है, तो व्यूवर्स आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा ये यूज़फुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।